तो एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है आपका कि हम प्रोटीन इंटेक कितना करें। देखो, अगर आप कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में हैं, खास तौर से बॉडी बिल्डिंग करते हैं या अपना मसल मास गेन करना चाहते हैं, तो अगर आप वेल इन शेप हैं और आपको मसल गेन करना है तो आप 2.5 से 3 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट आप इंटेक कर सकते हैं। अगर आप अपने कटिंग फेज में या फैट लॉस करना चाहते हैं तो आप 2 से 2.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आप प्रोटीन इंटेक कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि प्रोटीन डाइट से कितना लें, सप्लीमेंट से कितना लें। तो मैं ये बोलूंगा कि आपका मैक्सिमम प्रोटीन आपकी डाइट से ही आना चाहिए। करीब ये समझो कि 80% प्रोटीन कम से कम आपका डाइट से आए, 10 से 20% प्रोटीन आप सप्लीमेंट से ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका बॉडी वेट है 80 kg और आप एक अच्छी शेप में, अब यहां से आपको गेन करना है तो मिनिमम 200 ग्राम आपकी प्रोटीन नीड हो जाएगी 2.5 ग्राम के हिसाब से। 3 ग्राम करते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके 250 ग्राम के आसपास हो जाएगा। अब इसमें अगर आपका 200 का टारगेट है तो 160 ग्राम आपका 80% यानी डाइट से आएगा, 20% यानी 40 ग्राम के आसपास आपका सप्लीमेंट से आएगा। 40 ग्राम आपको भी पता 2 स्कूप में हो जाता है, तो डेली आपकी 1 से 2 सर्विंग प्रोटीन की सप्लीमेंट की वो काफी है। बार बार प्रोटीन, देखो प्रॉब्लम तब होती है जब आप प्रोटीन का डब्बा लेके साथ चलते हैं कि डाइट मिस होगी तो प्रोटीन पी लूंगा। प्रोटीन का डब्बा कैरी करके नहीं चलना, आपने डाइट को कैरी करके चलना है, अपने साथ 2-3 मील पैक करके चलो। प्रोटीन मैक्सिमम आपकी ट्रेनिंग के आसपास काम करेगा और ये जल्दी रिकवरी के लिए होता है। रिकवरी आपको कब चाहिए, जब आप टफ ट्रेनिंग की है उस टाइम पे। तो आप कोशिश करें ज्यादा प्रोटीन डाइट से लें, थोड़ा प्रोटीन सप्लीमेंट से, जो कि आपको जल्दी रिकवरी में हेल्प करेगा। तो मुझे लगता है आपको आंसर मिल गया होगा, आप इसको एक बार दोबारा भी सुनेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको।